बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। जितना ज्यादा कोरोना उतना ही उसे लेकर भ्रम और विरोधाभास भी। राजनीति तो खैर है ही, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव व पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान आज दिया है। उनका कहना है कि शादी तो 5 लोगों में हो सकती है, लेकिन नवाज नहीं। जामा मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद इसलिए है क्योंकि वहाँ भारी संख्या में लोग जमा होते हैं। उनका यह बयान आज उस वक्त सामने आया जब वे मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जिला प्रशासन के पास गए थे। उनका तर्क है कि धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 लोगों की मौजूदगी संबंधी आदेश गैर वाजिब है। आपको याद दिला दें कि बीते दिवस ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है कि धर्म स्थलों पर 5 से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। इसके बाद यह बात खूब वायरल हुई और इसके चलते ही धार्मिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस आशय के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। वहीं मेरठ के शहर काजी ने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। आज रल्लोद नेता राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में शहर काजी व अन्य ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। आइए पहले सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा, मैं मिले रहा हूं और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। राष्ट्रीय लोग मिले हैं, किस मुद्दे पे मिले हैं, क्या बात? काजी जी ने सारी बातें बता दी। शादी ब्याह तो 5 आदमी भी हो सकता है, मगर ये सच्चाई है कि नमाज, तरावी, ये सारी चीज़ों में सामूहिक, और जामा मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद है तो जमा माने सब जमा होंगे, तो इनकी राय भी है। सच्चाई यही है कि 100 जितनी भी कैपेसिटी मस्जिद की हो, ये सारे मानकों का पालन करेंगे और वो अलाउ करना चाहिए। और माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों का निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि व शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजिद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि शादी समारोह में 100 लोगों को परमिशन है और धार्मिक स्थलों पर केवल 5 लोगों की। यह दोहरापन है जो संशोधित किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं। हम इस मुद्दे में मिले हैं कि मस्जिदों में नमाज के लिए या दूसरे जितने भी धर्म स्थल हैं उसके लिए सिर्फ एक वक्त में 5 आदमियों को इजाज़त दी गई है। इसके बरखिलाफ उसी आदेश के अंदर शादी घरों के अंदर और होटलों के अंदर शादी के मौके पर 100 की इजाज़त दी गई है। ये कानून के अंदर फ़र्क किया रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि वो कानून जो 100 वाला है कि 100 आदमी खड़े हों, वो मस्जिदों के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमें रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर आ रहा है, इसमें हमारे यहाँ जो रात के वक्त में इबादत होती है उसमें ज़्यादा लोग शरीक होते हैं, तो हम उसको पूरे एहतियात के साथ में जो उसकी शर्तें हैं पूरी करके हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। हाँ, इसके लिए हमने दिया है, वो मेमोरेंडम में हमने लिख दिया है सब कुछ। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वो ये बहुत, उन्होंने खुद माना इस बात को कि एक ही आदेश के अंदर कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप इजाज़त दे रहे हैं, एक तरफ नहीं दे रहे, जबकि ज़्यादा ज़रूरी धर्म स्थल में इजाज़त देने की थी, शादी घर में देने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये दो तरह का कानून एक ही वक्त में आना ये सही नहीं है।